नमस्कार, मैं इमराना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर के नगर पंचायत बड़ापुर के मोहल्ला कस्साबन में सहकारी बीज गोदाम पर आज उस वक्त हंगामा हो गया जब सरकारी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा जेसीबी की मदद से सालों से खड़ी सहकारी बीज गोदाम की इमारत को निर्माण कार्य के लिए लगाया जाने लगा। जैसे ही सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य की खबर लोगों को लगी तो सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। देखते ही देखते घटनास्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों की बढ़ती भीड़ और हंगामा देख जेसीबी की इमारत ढह रहे भू माफियाओं में खलबली मच गई और वह मौके से रफू चक्कर हो गए। लोगों का आरोप है कि सरकारी संपत्तियों को लीज पर दिए जाने की आड़ में नगर पंचायत सहकारी संपत्तियों को भू माफियाओं के कब्जे में दे रही है। उनकी मांग थी कि उस वक्त सरकारी जमीन या तो खेल का मैदान या पार्क बनना चाहिए। बताते चले कि नगर पंचायत में सरकारी संपत्तियों को लीज पर दिए जाने की आड़ में बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा है। नगर पंचायत के अधीन आने वाली करीब 2 दर्जन से ज्यादा संपत्तियां नगर पंचायत के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते लीज पर दे दी गई है। इसी के चलते आज करीब 6 दशक पुराने सहकारी बीज गोदाम पर भू माफियाओं का कब्जा होता देख लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। देखिए अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता संगम चौहान की रिपोर्ट। इसमें जब तक क्लियर नहीं होने का, क्लियरिटी नहीं होने का, सरकारी कुएं पे एक और हमें दिखाएं किसको ठेका करा, कब करा, किस बोर्ड में रखा, क्या करा। अच्छा, इसका एक बैनामा भी तो वायरल हो रहा है, इसका एक 60 दान पत्र है। बिल्कुल है, मेरा मेरे पास है, मैं आपको दूं। उसके बावजूद भी इससे बुलडोजर चला दिया गया। उसके बावजूद कि ये नगर पंचायत की संपत्ति, कैसे नगर पंचायत की संपत्ति हो गई? जो जा रहा वही दलाल ले जा रहा। मैम, यहाँ पर जो नगर पंचायत के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था, एक गल्ला स्टोर है और भी जगह जो है चुनिंदा जगह है, उन पर निर्माण कार्य किया जा रहा था, तो वहाँ पर हंगामा किया है लोगों ने। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि कुछ ज़मीन जो हमारे पटवारी जी हैं कमल शर्मा, उन्होंने लोकेट करके नगर पंचायत की अराजी साबित करना चाह रहे थे, जिसको उन्होंने वो कौन सा रजिस्टर है, एक सेकेंड, आयकर रजिस्टर है वो, संपत्ति में दर्ज, संपत्ति रजिस्टर में ये सारी अराजी वो दर्ज कराना चाह रहे थे। उनका कहना यह है कि ये नगर पंचायत की अराजी है। इन्होंने कुछ लोगों से, किसी से 9 लाख रुपए, किसी से 1 करोड़ रुपए लेके पर्टिकुलर्स को दे दिया है। ठीक है, ना इसकी नीलामी हुई, नीलामी तो बहुत दूर की बात है, ना तो सभासदों को पता, ना ये बोर्ड में रखा गया, ना कोई प्रस्ताव पास हुआ। बोर्ड का चेयरमैन साहब की निगाह में कोई वैल्यू नहीं है। हम डीएम साहब के पास जाएंगे, डीएम साहब से ये गुहार लगाएंगे कि साहब, इससे पहले भी मैंने बस स्टैंड के पास की एक अराजी है जो कोटद्वार का एक आदमी है नेगी, उसको दे दी थी। उस पर मैं एक साल से मेरा डीएम साहब से और हर आदमी से ये गुहार लगा रहे हैं, पूरा बोर्ड लगा रहा है कि साहब, ये सरकारी संपत्ति को प्राइवेट ठेकेदारों को ना दी जाए। उसके बाद में इन्होंने फिर वही चीज़ दोहराई, क्योंकि उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी शासन से, तो उन्होंने इसको उनको बल मिला, उन्होंने फिर 24 बैनामे और कर दिए हैं ठेके नामे। यानी कि नगर कस्बे के अंदर 24 जगह और हैं जो इस तरह से इन्होंने ठेकेदारों के नाम से दिए। मैं आपको ठेकेदार का नाम और हर चीज़ मैं आपको मुहैया करा सकती हूँ। मैं यहाँ पे मौके पे हूँ, मैं अपने घर जाऊँगी, आपको पेपर्स दिखाऊँगा। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।